यह एक वह स्थिति है, 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य हरियाणा 3 दिनों से दंगे की आग में सुलग रहा है। राष्ट्रीय राजधानी से 100 किलोमीटर दूर मेवात में शुरू हुई हिंसा हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुड़गांव तक पहुंच गई है। हिंसा की आग उत्तर प्रदेश तक ना पहुंचे, इसके लिए योगी सरकार ने भी कड़े कदम उठा लिए हैं। तत्काल प्रभाव से हरियाणा और मथुरा की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर समेत हरियाणा से जुड़े यूपी के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन जिस वक्त हरियाणा सुलग रहा था, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 6.25 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जी। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में, मार्च 2017 में दायित्व दिया था, और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। यह एक वह स्थिति है, 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है, हमने ढोंग नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। वैसे योगी ने सही ही कहा है कि उनके राज में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूपी में दंगे नहीं हुए। ये बात अलग है कि दंगों को न सिर्फ तुरंत रोका भी गया और सख्त कार्रवाई कर ऐसी नजीर पेश की गई कि योगी का एक ना बुलडोजर बाबा भी पड़ गया। योगी राज में पिछले 1-2 सालों में कहां बड़े दंगे हुए, उसे कंट्रोल करने में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई, हरियाणा को उससे क्या सबक लेना चाहिए, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। असल में मामला ये है कि सोमवार को नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे हिंसा भड़क गई, दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस दौरान गुड़गांव के होमगार्ड नीरज और गुरसेवक समेत अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और अन्य घायल हैं। यह हिंसा मेवात के नूह से होती हुई गुड़गांव तक पहुंच गई है। एहतियातन रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नूह, फरीदाबाद और पलवल में आज यानी 1 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं हरियाणा में इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो चुका है। मथुरा में पुलिस अलर्ट हो गई है। हरियाणा यूपी के बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीमावर्ती गांव में खास चौकसी बरती जा रही है। हरियाणा के नूह में हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद आगरा दिल्ली हाईवे पर भी तनाव है। होटल में कुछ लोगों ने हाईवे ब्लॉक कर दिया है। तनाव को देखते हुए मथुरा में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। आगरा की तरफ से दिल्ली जाने वाले वाहनों को टाउनशिप तिराहा से गोकुल बैराज, जमुना पार, राया होते हुए एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। मेवात इलाका मथुरा के कोसी, बरसाना और गोवर्धन थाना क्षेत्रों की सीमा से लगता है, और यही वजह है कि मथुरा पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, खुफिया तंत्र भी हर जानकारी जुटा रहा है। वहीं मेरठ रेंज के जिलों गाजियाबाद, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीमाओं पर पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई। सीमाई क्षेत्रों में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मेरठ रेंज के आईजी नचिकेता झा का कहना है कि पड़ोसी राज्य में हिंसा को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। रेंज के सभी जिलों की पुलिस अलर्ट पर है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की हिंसा के बाद यूपी के जिलों में भी अलर्ट है, लेकिन योगी ने तैयारी पूरी कर रखी है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, जैसा कि योगी हमेशा से कहते आए हैं और वैसा ही करते भी आए हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।